15 जनवरी 2008 को शुरू हुई इंदौर अमृतसर बाई वीकली एक्सप्रेस जो इंदौर को पंजाब के शहर अमृतसर से जोड़ती है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर मध्य प्रदेश से चलकर अमृतसर पंजाब तक जाने वाली द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस की। इस ट्रेन की पूरी जानकारी आज हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। ट्रेन नंबर 19325 इंदौर से चलकर अमृतसर तक जाने वाली बाई वीकली एक्सप्रेस। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन 5 राज्यों से होती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य शामिल है। यह ट्रेन इंदौर से अमृतसर की कुल रेल यात्रा 1335 किलोमीटर को तय करती है लगभग 25 घंटे में। इस दौरान यह ट्रेन 54 किलोमीटर की औसत गति के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली द्विसाप्ताहिक ट्रेन है, जो हर मंगलवार और शुक्रवार को इंदौर पीजी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और हर बुधवार और शनिवार को अमृतसर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में यह ट्रेन मथुरा, हजरत निजामुद्दीन जैसे 23 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ती है और यह मेल कैटेगरी की ट्रेन है, जो इंदौर चंडीगढ़ और इंदौर उधमपुर जैसी साप्ताहिक ट्रेनों के साथ अपने रेक शेयरिंग भी करती है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB कैटेगरी के 22 कोच लगते हैं, जिसमें एक कोच फर्स्ट एसी का रहता है। फर्स्ट एसी के कोच का किराया रहता है 3785 रुपए। एक कोच इसमें एसी टू टायर का रहता है, जिसका किराया रहता है 2235 रुपए। 4 थ्री टायर एसी के कोच रहते हैं, जिसका किराया रहता है 1545 रुपए। 11 स्लीपर के कोच रहते हैं, जिसका किराया रहता है 575 रुपए। और सामान्य जनरल क्लास के कोच का किराया रहता है 310 रुपए के आसपास का। यह किराया दोस्तों इंदौर से अमृतसर तक का बताया गया है, जिसमें सभी चार्जेस शामिल हैं, लेकिन यात्रा से पूर्व इसे जांचना भी आवश्यक है। भोजन संबंधी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान BRC लोको शेड का Web 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, इंदौर से अमृतसर तक जाने वाली बाई वीकली एक्सप्रेस हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम के 7:45 पर मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होती है। और दोस्तों, इंदौर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है देवास जंक्शन। रात के 8:55 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 8:57 पर यह ट्रेन देवास जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन रात के 9:48 पर और 9:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शाजापुर रात के 10:15 पर और 10:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ब्यावरा राजगढ़ रात के 11:25 पर और 11:27 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रुठियाई जंक्शन रात के 12:58 पर और रात के 1 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गुना जंक्शन रात के 1:40 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:50 पर यह ट्रेन गुना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शिवपुरी रात के 3:03 पर और 3:05 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन सुबह के 6:10 पर और 6:15 पर यह ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। ग्वालियर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 575 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट में सुबह के 8:20 पर और 8:25 पर यह ट्रेन आगरा कैंट से भी रवाना हो जाती है, और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन सुबह के 9 बजे और 9:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है हरियाणा के फरीदाबाद में सुबह के 10:53 पर और 10:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में सुबह के 11:25 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:40 पर यह ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भी रवाना हो जाती है। हजरत निजामुद्दीन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 820 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गाजियाबाद जंक्शन दोपहर के 12:18 पर और 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मेरठ सिटी जंक्शन दोपहर के 1:02 पर और 1:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरनगर दोपहर के 1:43 पर और 1:45 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देवबंद दोपहर के 2:05 पर और 2:07 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सहारनपुर जंक्शन दोपहर के 3 बजे और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 3:20 पर यह ट्रेन सहारनपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में दोपहर के 3:46 पर और 3:48 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है अम्बाला केट जंक्शन। शाम के 4:40 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 14 मिनट ठहरने के बाद शाम के 4:54 पर यह ट्रेन अम्बाला केट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1087 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पंजाब के सरहिंद जंक्शन में शाम के 5:29 पर और 5:31 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है लुधियाना जंक्शन शाम के 6:28 पर और 6:36 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जलंधर सिटी जंक्शन शाम के 7:33 पर और 7:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है व्यास जंक्शन रात के 8:09 पर और 8:11 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है पंजाब का अमृतसर जंक्शन। रात के 8:55 पर यह ट्रेन पहुंचती है अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1335 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश के इंदौर से चलकर पंजाब के अमृतसर तक जाने वाली द्विसाप्ताहिक ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।